नहीं मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ कमाल है तुम्हारा। एक्टिंग की बात है, आपको भरोसा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगी सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हां चलिए, 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे दूं मैं, क्योंकि नोट तो सच में नहीं है मेरे पास। आई एम सीरियस, आई डोंट हैव द मनी। कुछ तो होगा, कुछ तो है। ओके, समथिंग इन द ऑडियंस मैंने पहले दिया था। क्या रेडी है? क्विकली यार, इसको क्या करना है? नहीं, वो 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे देती है, गिफ्ट है, टोकन ऑफ लव। अच्छा, ये मतलब 10 रुपए चल गए? गिफ्ट, टोकन ऑफ लव सर, ये चलेगा? हाँ चलेगा। जी जाके ओपन इट प्लीज, गिफ्ट फॉर यू। कोकोनट, मैं गोवा से आई पर कोकोनट लेकर नहीं आई हूँ सर। जस्ट पुल द स्ट्रिंग। नहीं, उसको मत फेंकिए सर। ओके, ये 10 रुपए का संतरा चलेगा सर? चलेगा, यस और नो? सर आपको चलेगा? नहीं चलेगा? 10 रुपए का संतरा नहीं चलेगा भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जादू दिखा रही है मुझे, बेवकूफ बना रही है? ओके, नहीं चलेगा ये? नहीं, पक्का नहीं चलेगा? नहीं, आपको जादू के लिए बुलाया, संतरे से काम नहीं चलने वाला। तो आपको आपकी नोट ही वापस करनी पड़ेगी। हाँ, लाइए दीजिए। कुछ तो करने वाली है। नाइस एंड जूसी ऑरेंज है सर। ऑफ कोर्स, डोंट बिल टेल मी दैट यू आर गोइंग टू, व्हाट आर यू थिंकिंग सर? आप क्या सोच रहे हैं? दैट यू आर गोइंग टू टेक अ 10 रुपी नोट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड दिस संतरा। और अगर वो हो गया सर तो क्या करेंगे आप? मैं आपको गले लगा लूंगा। अरे यार सर, ऐसे ही लगा दो यार, पहले नहीं निकला तो फिर से अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो 911 को ही फोन करना है। जो टुकड़ा है उस पर है 246631, इस पे लिखा है 246631। वाह वाह वाह, वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग, हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो भैया, मिस्टर डिसूजा, अमन डिसूजा।
फोर्थ डेथ एनिवर्सरी है और मेरे पिताजी ने मेरी सफलताओं को और मेरी असफलताओं को उतने ही तरीके से सेलिब्रेट किया है जितनी तरीके से किया जाना चाहिए. मतलब यूजुअली माँ बाप जो हैं असफलताओं को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से पहले प्ले से जब मुझे इनाम नहीं मिल पाया था तब मुझे पीले गुलदस्ता पीले गुलाब फूलों गुलदस्ता ला के दिया था और वो सिर्फ क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर. तो जब उनका देहांत हुआ था 2012 में तो मैंने उनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया था बजाय उनकी डेथ को मौन करने के. आज 4 साल बाद जब मुझे कुछ महीने एक महीना पहले पद्म भूषण मिला तो मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया कि उनको हमेशा इस बात की बहुत खुशी होती थी मुझे कुछ मिले और जब मिला तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बेस्ट तरीका है उसको और अपने पिताजी के आज के पुण्य दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है कि बहुत सारे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं डेस्टिट्यूट बच्चे हैं ऑर्फनेजेस के बच्चे हैं हैंडीकैप बच्चे हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको एक ऐसी यादगार शाम दी जाए उनके उनके शान में. और ऑर्केस्ट्रा भी जो है उसमें भी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब ब्लाइंड म्यूजिशंस थे परफॉर्मर्स जो थे हमको. मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी कमजोरी हम मानते हैं तो वो कमजोरी होती है, अगर हम नहीं मानते हैं तो वो कमजोरी नहीं होती है. सो दिस इज द वे एंड आई स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड अनुपम केयर्स. अनुपम केयर फाउंडेशन स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव विच इज अनुपम केयर्स विच इज अ हेल्पलाइन गोइंग टू बी फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया एंड इट्स इन द फॉर्मेटिव फ्रेज बट वी वुड लाइक टू हेल्प. एंड बहुत दिया फिल्मों ने, बहुत इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश की जनता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है. अब वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने का और उस सम्मान को उस प्यार को वापस करने का. तो ये एक पहला प्रयास था उस दिशा की ओर. नहीं, अनुपम केयर फाउंडेशन 2008 में हो गई थी, वो उसकी फॉर्मेशन हो गई थी. हम बहुत काम करते हैं कैंसर चिल्ड्रन के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं. मगर आज उसका एक भाग हमने शुरुआत किया विच इज़ कॉल्ड अनुपम केयर्स, जो एक हेल्पलाइन होने वाली है ऐसे सब बच्चों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म की मदद होगी. फंड्स नहीं है बट आई थिंक फंड्स आएंगे धीरे धीरे और उसके बाद अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए. तो इच्छा है, लोग बढ़ते चले जाएंगे. बहुत लोगों का दिल होता है मदद करने का, लोग सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि ऑकवर्ड महसूस करते हैं या लोग फिर उनको बोलते हैं अरे अब ये इसमें भी पब्लिसिटी ढूंढ रहा है. तो ऐसा उनका इस उनके इस तकलीफ को या उनकी इस झिझक को हटाने के लिए अनुपम केयर्स विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर विल लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन. आज जो परफॉर्मेंस हुआ, आज जो ये 1,500 बच्चों ने यहाँ पर इंजॉय किया, सब मंच पर आए, ये इस बात का सबूत है कि बच्चे जो हैं इनका मन बहुत साफ होता है. दैट्स वाई आई कॉल दिस इवेंट चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड. यूजुअली वी से दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए लेसर गॉड बट दे आर चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड. एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया फॉर स्टेइंग बैक. ऐसे 5 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं और शायद आपके द्वारा अगर ये देश तक पैगाम पहुँचता है कि इन सब बच्चों की मदद हमको करनी चाहिए. क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था, एक निम्न वर्गीय परिवार का एक क्लर्क का बेटा और अपनी मेहनत से अपने लोगों की प्रेरणा समझकर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं अपना पुरस्कार जो राष्ट्र पुरस्कार मुझे मिला है उन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं. और जिन शख्सियत ने मेरे पिताजी ने जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचने की हिम्मत दी है उनका भी शुक्रिया अदा कर सकूँ इस तरह के आयोजन से. सर बहुत जी सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर आज आपके जी हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये दे आर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखिए दोनों से जो मंच पर कलाकार थे, जो मंच पर म्यूजिशियंस थे, जो मंच पर जिन्होंने अलग अलग किस्म का अपना आइटम किया, अपना प्रयास दिखाया, चाहे वो पोल पे चढ़ के उन्होंने किया देखो बच्चा कितना अच्छा किया इन सब लोगों ने, चाहे वो जो इंसान जो लड़का था जिसने जो लेग्स के साथ थोड़ा विकलांग जो है अब उसको दिव्यांग बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करके.
आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. प्रेरणा मिली है. एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक. आई थिंक आप वही एक्सपीरियंस था जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिखा रही है. एक्सपीरियंस सेम ही होता है. अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस सेम होता है और ये एक्सपीरियंस दिल से एक्सपीरियंस किया जाता है, दिमाग से नहीं. एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग. इट्स अ हम्बल फीलिंग. माई मदर फेल्ट वेरी गुड. माई मदर वॉज वेरी हैप्पी दैट आई कॉल्ड हर एज द चीफ गेस्ट. उनके लिए भी अच्छा है. और बहुत सारे कलाकार जो गाने आए थे, जो सिर्फ यहाँ पर मेरे दोस्त बनकर आए थे, कैलाश खेर साहब, प्रीति शेठ, शान आए थे थोड़ी देर के लिए, और अमन त्रिखा आए थे, जानकी आई थी. मतलब क्या इन्होंने माहौल बांधा और कितना अच्छा इन्होंने किया. इन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हनुमान थप्पा साहब की पहले तो मैं उनके शौर्य की बहुत उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनको सल्यूट करना चाहता हूँ. 6 दिन और 25 फीट बर्फ के नीचे उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया, आप भगवान से यही प्रार्थना है. और आज इन सब बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, इनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करूँगा. बच्चों की, मासूम बच्चों की प्रार्थना बहुत काम आती है. और मुझे एक फीलिंग है कि आज की शाम जो हमने आयोजन किया है, इन बच्चों का आशीर्वाद, इन बच्चों की ये प्रार्थना हम ज़रूर होगी और हमारे हनुमान थप्पा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी मुझे आशा है. और मैं उनके लिए प्रे करना चाहता हूँ. आखिरी सवाल सर, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बस बेटा आज